देखो इसमें क्या मिस्टेक हो रहा था, प्रीमियम अमाउंट सेम नहीं रहेगा, सो वी बेसिकली नीड प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सम अश्योर्ड. एंड दिस इज कैसे निकालेंगे, देख लो एक बार. ये जो सम अश्योर्ड हम लोग ने पार्ट वन में प्रीमियम निकाला था, दिस थिंग डिवाइडेड बाय सम अश्योर्ड, ठीक है, तो हमारा ये आ गया प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सम अश्योर्ड. अब यहाँ पे पीवी ऑफ प्रीमियम जब निकाल रहे हो तो इसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे देखना. दिस फैक्टर इनटू प्रीमियम पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय दिस फिगर, ठीक है. और आई थिंक ये मेरा इश्यू है, इसमें गलत है, ये जीरो है, 19431, इसमें कुछ गलत है. क्या गलत है बोलो तो. दिस इनटू वी, हाँ मैम प्रोबेबिलिटी शिफ्ट. प्रोबेबिलिटी गलत है क्या, जिंदा रहने का कि मरने का. हाँ जिंदा रहने. तो कौन सा वाला लेंगे, दिस ना, ये मैं ले रही हूं, ये है आपका टाइम 14 का, तो टाइम 13, हाँ टाइम 13 का लेना है, मतलब एज क्या है उसका, कहाँ से आउटसेट पे क्या एज था, 32 ईयर्स का था ना, तो 32 ईयर्स का था तो 13 साल बाद कितने साल का होगा, तो 45 वाला लेना है, ये मैंने शायद नीचे वाला ले लिया था ना इसीलिए. अभी ड्रैग अभी सही है, हाँ ठीक है. अभी तो यस ये आ गया. अब रिजर्व एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे होता है, पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ प्रीमियम, आ गया रिजर्व्स, देख लो. मैम. अगेन आई डोंट नो व्हाई माय आंसर्स आर नॉट मैचिंग. सबसे प्रीमियम ना ऊपर वाला तक का होगा, 10.37 वाले लेंगे. नहीं, वो तो नहीं लेंगे, ये दोनों का तो जरूरत ही नहीं है हमें, बट टुवर्ड्स द एंड, मतलब यहां से आई थिंक कुछ गड़बड़ है, मतलब प्रीमियम में कोई मिस्टेक है. अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये ड्रैग नहीं किया मैंने इसीलिए, ये पहले का ही है, ड्रैग नहीं किया था, अब सही है, ड्रैग नहीं किया था मैंने. इंश्योरेंस वाला फैक्टर दिखाओ भी पर लास्ट वाला.
इसमें भी ना, एक सेकेंड रुको, अश्योरेंस वाले में अभी C22 ये वो नीचे वाला क्लियर है, एक बार आप शीट बंद में जाओ। हो सकता है कि ये भी कुछ गलत हो। ये होगा आपका दिस C22 नहीं होगा, तुम बोल रही हो। ये है तुम्हारा टाइम 14 का, नहीं, हाँ टाइम 14 का। तो ये होना चाहिए तुम्हारा 1 + i 14 एंड उसी और मरने का। तो 32 + 14 कितना होता है? तो ये वाला लेना चाहिए T2 + ये + ये इंटू D22 जीने का। सही है। सही है। एक बार यस लिख दो अगर ये आ गया तो रिजर्व्स। आया टेम्पररी एनुइटी का लिखो सेम तरीके से। वहां पे भी आपको क्या चाहिए? ये जो आपका एनुइटी है, ये वाला जो आपका एनुइटी का फिगर है, इसमें हम लोग को क्या चाहिए? देखो, एक सेकेंड, अगेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6,40,000 एंड दिस विल अगेन डिक्रीज ना। सम ऑफ रिडक्शन मेक इट एब्सोल्यूट। हाँ ठीक है, क्या हो गया है? कैन यू ड्रैग पटी? नहीं, ऊपर वाला माइनस वो फैक्टर करेंगे ना, इसको डिलीट कर दीजिए। 64,640,000 माइनस फर्स्ट वाला वो जो है। एब्सोल्यूट नहीं किया मैंने, इसीलिए नेगेटिव चला गया। यहां मैंने किया था, ठीक है। तो अब यहाँ टर्म अश्योरेंस, यहाँ हम लोग को करना है एनुइटी पेमेंट्स, टेम्पररी एनुइटी। तो अगेन हम लोग को एनुइटी फैक्टर चाहिएगा। हाँ ठीक है ना। तो एनुइटी फैक्टर कैसे निकालेंगे बताओ? अब यहाँ पे ये वाला तो चलो जीरो है,
क्योंकि इट इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये वाला कैसे निकलेगा बताओ? अभी वाला पेमेंट प्लस दिस नीचे वाला, और हम लोग को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लेके जाना है दोनों को, क्योंकि एट द एंड है ये ड्यू नहीं है, ये अरियर में पेमेंट है, टाइम 15 पे पेमेंट है, 14 पे है। तो जब आप निकाल रहे हो ये वाला 14th वाला, तो इसमें आप क्या निकाल रहे हो? 15th वाला पेमेंट प्लस उस समय का पेमेंट, दोनों को आप स्टार्ट पे लेके जाओगे ना साल के। हाँ, तो इसीलिए 1 प्लस 1 प्लस इन 2 करेंगे। नहीं, आइडियली क्या होता है, तुम यहाँ पे क्या की थी? तुम यहाँ पे 1 प्लस ये पूरा चीज की थी, बट यहाँ पे तुम्हारा जो वो 1 का पेमेंट है वो भी 14 का एंड पे हो रहा है, तो तुम उसको भी आगे लेके आ रही हो। तो ये जो तुम्हारा टाइम 14 वाला है, तुम यहाँ पे 15 वाले पेमेंट को, हाँ, तो ये हो गया इनटू तुम्हारा क्या होगा, जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा पीएक्स लेंगे? ये वाला, ये वाला पीएक्स लेंगे। इंटू 1 प्लस i होल टू द पावर -1। नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई? टू द पावर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। एन यू ड्रैग देन यू हैव द रिजर्व। यहां तो सिंपल होगा, रिजर्व इज दिस इनटू जो आपका एन्युटी का पेमेंट है। अश्योरेंस का जो टर्म अश्योरेंस का रिजर्व एट द एंड कैसे आएगा? क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टर्म का बेनिफिट, माइनस प्रीमियम इनटू उसका। पीवी में तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दी, दोबारा क्यों करोगी? कैलकुलेट द टोटल मोर्टैलिटी प्रॉफिट और लॉस अक्यूमुलेटेड टू 1 जनवरी 2023 एक्सपीरियंस बाय द कंपनी ओवर द 15 ईयर।
फॉर दिस पॉलिसी ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ पॉलिसीज, तो दोनों का अलग अलग बेसिकली वापस से निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे बताओ, एक्चुअल एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस दोनों दिया हुआ है, मोर्टैलिटी प्रॉफिट और लॉस निकालना है ना आपको, तो एक्चुअल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रिजर्व्स आपने कितना बनाया है वो दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे एक टेबल बना सकते हैं जिसे हम लोग बोलेंगे रिजर्व विच इज हेल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, देन हाउ मच यू रिसीव इन प्रीमियम, ठीक है? उसके बाद प्रीमियम एंड रिजर्व, इट्स लाइक अ प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल दैट यू विल मेक, देन यू गेट इंटरेस्ट ऑन योर प्रीमियम एंड द रिजर्व, उसके बाद आपने बेनिफिट्स, एक्चुअल बेनिफिट्स कितने दिए, फिर आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके बाद सबको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बेसिकली इट्स लाइक एंड ऑफ द ईयर का कैश फ्लो इज गिविंग यू द मोर्टैलिटी प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है ना यहाँ पे, तो जो भी आपका कैश फ्लो आ रहा है दैट्स योर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है? चलो लेट्स डू इट। यहीं पे ले लेते हैं टर्म अश्योरेंस, ये वाला मैं यहां से इक्वल टू करके ले लेती हूँ, बस देख लो, तो इसको अपने राइट एंड ड्रैग डाउन, ठीक है? ये आ गया। इसके बाद फॉर द टर्म अश्योरेंस यू स्टार्ट विथ रिजर्व एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे टाइम वन का स्टार्ट पे जीरो है एंड देन यू हैव दिस रिजर्व, ठीक है? एंड यू ड्रैग, एट द स्टार्ट बोला है मैंने, फिर प्रीमियम्स रिसीव्ड, प्रीमियम्स रिसीव कैसे निकालेंगे देख लो एक बार प्लीज, आप लोग फिर आप लोग बाबा पूछोगे। सो प्रीमियम रिसीव्ड इज, यहां जाओ शीट टू में, इसको मत कर देना क्योंकि ये पीवी ऑफ प्रीमियम्स है, दिस पर सम अश्योर्ड इसको एब्सोल्यूट कर दो इनटू दिस सम अश्योर्ड वाला जो अमाउंट था, ठीक है? आफ्टर दिस यू हैव द इंटरेस्ट यू विल गेट, इट्स लाइक दैट, कितना, दिस प्लस दिस इनटू आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद आ गया आपका बेनिफिट्स पेड इज व्हाट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, तो ये बेनिफिट्स पेड जो जाएंगे क्या बोलते हैं यही वाला, या तो यहां से ले लो या फिर इन दोनों को माइनस कर दो, अच्छा रिडक्शन है ना, कैसे भी इन दोनों को माइनस कर दो इनटू क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर है ना सब कुछ, बट बेनिफिट्स पेड इज द मिडल ऑफ द ईयर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे बाद में तो 1 + i होल टू द पावर -1 होता है, तो आपको यहाँ पे +1 कर देना है,
उल्टा होगा। अच्छा हाँ, उल्टा माइनस कर दिया ना। ठीक है, इसको ड्रैग कर दूँ। तो या तो इसको भी ले सकते थे, सेम आंसर आता, बट यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई। ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज ये हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो रिजर्व्स एट द एंड क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, ये वाला अमाउंट क्यों माइनस? तो निकाला हुआ है हमने, रिजर्व्स क्यों चेंज होंगे? एंड रिजर्व्स गिवन है, रिजर्व्स उतना बनाया है तुमने। अब मोर्टैलिटी, प्रॉफिट या लॉस एट द योर एंड ऑफ द योर इज रिजर्व एट द स्टार्ट प्लस प्रीमियम्स दैट यू आर अर्निंग प्लस इंटरेस्ट दैट यू आर अर्निंग माइनस रिजर्व क्या होता है एट द एंड? ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, क्योंकि आपको उतना बनाना पड़ेगा, सेट असाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज योर मोर्टैलिटी प्रॉफिट। नाउ आपको क्वेश्चन में बोला है टोटल निकालने, तो हम लोग को अक्यूमुलेट करना है इन सबको एट द एंड, है ना? तो पहला क्यूमुलेटिव निकाल लो, क्यूमुलेटिव एमपी पूरा पूरा लिखना क्या होगा। पहला वाला तो यही है, दूसरा वाला इज दिस, इसको आप 1 साल का अक्यूमुलेशन करोगे, यार अक्यूमुलेटिंग रेट तो यही ले लेना चाहिए था, बार बार बेस शीट में जाना पड़ रहा है। प्लस दिस, इधर पे इफ यू टेक अ सम, आंसर्स आई थिंक मेरे थोड़े गलत क्यों आ रहे हैं? ये मेरा गलत आ रहा है, ये वाला 2119, ये वाला गलत है खाली। क्यों ऐसा भाई, एक बार चेक करो तो तुम लोग का क्या आ रहा है। यहां तक आया सही है मेरा? नहीं, देयर्स अ मिस्टेक।
प्रीमियम्स रिसीव्ड में देयर इज अ मिस्टेक. C7 कर दिया मैंने. ये होगा. आप रात तो करो फिर नहीं, पहला वाला तो अभी भी गलत है ना. पर अच्छा, हाँ एक सेकेंड. हाँ, अब सही है. अब आई गेस सही आना चाहिए, बस चेक करो तो. हाँ सही है. अरे ये वाला जो होगा ना, प्रीमियम रिसीव टू स्टार्ट ऑफ द ईयर में है ना, तो ये जो है, हाँ, दिस अमाउंट इनटू 1,28,000. और फिर शायद मैंने ड्रैग नहीं किया, कुछ मिस्टेक था. सेम, लेट्स डू फॉर एन्युइटी. इसको पूरे क्वेल कॉपी कॉलम हेडिंग्स को. रिजर्व एट द स्टार्ट क्या हो जाएगा? सेम एक इसमें कैच है. इन दिस पार्ट जब हमने रिजर्व्स निकाला था यहाँ पे, देखना, तो इसमें हमने प्रीमियम कंसिडर नहीं किया है इस वाले में, क्योंकि प्रीमियम आपको कब मिल रहा है? टाइम जीरो पे, सिंगल प्रीमियम. तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे रिजर्व एट द स्टार्ट में, क्योंकि प्रीमियम अर्न, चलो ठीक है, मत रखो, इसको जीरो ही रखो, प्रीमियम अर्न में ही रखेंगे उसको. क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करने है बिना मत बिना मतलब का? ये यहां से आ गया, इसको बस ड्रैग कर देंगे. आई ठीक है, प्रीमियम खाली सिंगल प्रीमियम है जो हमने यहाँ पे निकाला था, दैट्स इट. अरे इंटरेस्ट ऑन दिस प्लस दिस सेम एकदम इनटू बेनिफिट्स पेड. यहाँ पे एक्चुअल में वो एन्युइटी पेड है, विच इज इक्वल टू दिस, है ना? जो भी आपका एन्युइटी फिगर है आप वही पे कर रहे हो, ठीक है. आफ्टर दिस रिजर्व एट द एंड हो जाएगा आपका ये. ये वाला अमाउंट दिस इज सेम एज दिस, दिस प्लस दिस माइन, अरे नहीं,
माइनस इंटरेस्ट माइनस बेनिफिट्स माइनस माइनस इंटरेस्ट प्लस क्यों प्लस होता है? ही किया है। देन अगेन क्यूमुलेटिव दिस इंटू वन प्लस ठीक है देख लो। इसमें जो प्रीमियम रिसीव्ड है वो फर्स्ट वाले में जो रहता वही करेंगे। बट अगेन मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा है। आई गेस मैंने दिस इंटू वन प्लस हाँ एब्सोल्यूट नहीं किया है, पता ही था। टोटल पोर्टफोलियो का पूछा है इन्होंने, सो टोटल पोर्टफोलियो का मोर्टैलिटी लॉस बता दो इधर। दिस प्लस क्यूमुलेटिव का लास्ट वाला, दोनों का ऐड करेंगे। दिस इज द टोटल मोर्टैलिटी प्रॉफिट और लॉस, लिख देना इधर। बैंकर क्वेश्चन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं सेव कैसे करूंगी, मैंने रीड ओनली में खोला इसको। क्या बोल वही करना होगा, बट वो मैं तरीका दिखाऊंगी नहीं ना, फिर तुम लोग एग्जाम में एनजिप नहीं करोगे। चलो हो गया, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका करते हैं। हाँ मैम इनको अश्योरेंस वाला का बेनिफिट्स भी मिलता। लो, अब जिसका मिस हुआ है वो इससे करना, सॉल्यूशन से बाद में करना। कमेंट ऑन विदाउट परफॉर्मिंग फर्दर कैलकुलेशंस ऑन मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी और ऑफ दिस पोर्टफोलियो ऑफ पॉलिसीज। तो क्या बोलेंगे, क्या हो क्या रहे? अश्योरेंस का अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अश्योरेंस में हमने क्या किया, मोर्टैलिटी प्रॉफिट किया कि लॉस किया है, टोटल लॉस किया है। एंड इसमें हमने पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि तुमने प्रॉफिट किया है, क्योंकि तुम बेनिफिट्स अश्योरेंस में हम लोग प्रॉफिट कब करेंगे, जब मोर्टैलिटी लो होगा, यस और नो? और एन्युइटी में आप प्रॉफिट कब करोगे, जब मोर्टैलिटी हाई होगा, तो लोग मर जाएंगे, आपको कम बेनिफिट पे करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने लॉस किया है अश्योरेंस में एंड हमने प्रॉफिट किया एन्युइटी में, तो इसमें हो रहा है ये कि दोनों केसेस में मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस बोला आपको बताने, क्वेश्चन में बोला है कमेंट ऑन द मोर्टैलिटी, मतलब कि मोर्टैलिटी कैसा रहा है इस कंपनी का, मोर्टैलिटी रेट्स कैसे रहे हैं इस कंपनी के लिए।
तो इस कंपनी में दोनों केसेस में, अश्योरेंस में एंड एनुइटी में, हम लोग बोल सकते हैं मोर्टेलिटी हाई रहा है। हाई होने का मतलब आपका अश्योरेंस नेगेटिव, अश्योरेंस में आपका लॉस आएगा और एनुइटी में प्रॉफिट, व्हिच इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो हो सकता है कि कंपनी ने अपने मोर्टेलिटी अजम्पशंस में कुछ गलती किए हैं, तभी उसको अश्योरेंस में हाई लॉस एंड एनुइटी में हाई प्रॉफिट आ रहा है। यस और नो? हो सकता है पॉलिसी होल्डर्स जो मर गए, उनका एवरेज सम अश्योर्ड जो था वो काफी ज्यादा था कंपेयर टू अदर पॉलिसी होल्डर्स, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, पीपल विथ हाई मोर्टेलिटी रेट विल टेंड टू बाय अ हायर सम अश्योर्ड का पॉलिसी, बिकॉज दे नो ना दैट दे मे डाई एंड दे विल नीड दैट अमाउंट, द फैमिली विल नीड दैट अमाउंट, है ना? सो पॉलिसी होल्डर्स हु डाइड अर्ली विल आर हैविंग अ लार्जर सम अश्योर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, हेंस उनका डेथ विल लीड टू अ लार्जर लॉस फॉर द कंपनी, हेंस द कंपनी नीड्स टू रिव्यू इट्स मोर्टेलिटी अजम्पशंस। ठीक, देख लो, मैं ताली को देखना था ये वाला। यस मैम, हो गया। चलो अब आओ सीधा क्वेश्चन वन में। एन इन्वेस्टर इज लायबल टू इनकम टैक्स 22% है पेबल 3 months इन अरियर, एंड कैपिटल गेन्स टैक्स है 27% का पेबल 5 months इन अरियर है। 22% एंड 20, अ सिक्योरिटी विच पेज अ कूपन ऑफ 6 months इन अरियर्स एट अ रेट ऑफ दिस हैज बीन जस्ट इशूड, इट इज टू बी रिडीम्ड एट 103.5 ऑन द कूपन डेट, एनी डेट बिटवीन 15 to 20 years आफ्टर द डेट ऑफ इशू, द रिडेम्पशन इज एट द ऑप्शन ऑफ द बोरोअर, द कैलकुलेट द मिनिमम नेट इफेक्टिव यील्ड द इन्वेस्टर वुड अचीव इफ दे परचेज द सिक्योरिटी एंड हेल्ड इट टिल रिडेम्पशन। बताओ कब लेंगे रिडेम्पशन? 15 पे, 16, 17, 18, 19, 20 कब लेंगे? मिनिमम बोला है, नहीं करते हम लोग वो सब टेस्ट वेस्ट। कैसे? बर्स्ट केस सिनेरियो होगा क्योंकि मिनिमम नेट इफेक्टिव बोला है, और वर्स्ट केस सिनेरियो कब पॉसिबल है? जब वो एकदम लास्ट 20 इयर्स तक रखेगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स है, ठीक है, वो सब हमें पता है। लिखना होगा द इन्वेस्टर बाइज द बॉन्ड एट 100, 100 नॉमिनल रिडेम्पशन, 103 नॉमिनल, देयरफॉर वी नो। अच्छा, इसमें तुमको क्या देखना है? इसमें क्लियरली तो दिख रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स है, 103 पे रिडेम्पशन है और 100 पे तो गेन है, दिख रहा है, देर इज अ कैपिटल गेन। सो द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन आई विल बी अर्निंग अ मिनिमम यील्ड इज द लेटेस्ट पॉसिबल रिडेम्पशन डेट, लेटेस्ट मतलब लास्ट, लेटेस्ट पॉसिबल रिडेम्पशन डेट व्हिच इज योर, तो ये आप लोग को लिखना होगा बिफोर प्रोसीडिंग, उसका 2 मार्क्स मिलेगा। आप लोग जो लिखोगे ना लेटेस्ट पॉसिबल, उसका आप लोग को 2 पूरा एक्सप्लेन करके कि कैपिटल गेन एग्जिस्ट करता है एंड लेटेस्ट पॉसिबल रिडेम्पशन डेट यूज करना है विच इज 20 इयर्स, तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा अलग से। ठीक है, आप लोग लिख लेना उसको अपने टाइम पे, वील जस्ट स्ट्रेट अवे मूव टू द आंसर। तो हम लोग को क्या क्या, एक बार क्विकली मुझे बताओ, आई कितना दिया हुआ है निकालना है, कूपन कितना है और इस पे टैक्स, 22% इनकम टैक्स और 27%।
तुम लोग प्रॉपर लिखना, मैं थोड़ा रिडेम्पशन ठीक है, अब स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल है ये सम। टाइम आ गया, आउटगो इसी में ले लेते हैं, विच इज द परचेज। आप लोग को अगर वैसे अलग रखना है तो आप लोग रख सकते हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, कूपन, देखो मत, बिना देखे करो। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। टाइम हाफ ईयरली कूपन जो कितने साल का है? आप लोग को पूरा लिखना है एंड देन यू राइट 20 इयर्स। तो 0 एक बार कुछ भी अज्यूम कर लो। लेट्स टेक 4%, ठीक है, एंड रैग। कूपन क्या होगा? हाँ बोलो। कूपन 0.5 से मिलना स्टार्ट होगा, कितने का? डिवाइडेड बाय 2। 100 मैंने लिया नहीं ना अलग से, इसको Shivangi, कर। have you हाँ considered the discount factor? Why you only consider the annual rate because you're doing it timely at 0.5? साहिर, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कैन यू जस्ट रिपीट अगेन? वो डिस्काउंट फैक्टर आपने अभी उसे एनुअल एनुअल को कन्वर्ट नहीं किया है हाफ ईयर में. डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू। डिस्काउंट फैक्टर को, डिस्काउंट फैक्टर नो, आई हैव जस्ट टेकन इट, दिस इज पर एनम, राइट? सो आई हैव टेकन 1 + i होल टू द पावर 0 माइनस अच्छा पॉइंट अच्छा अच्छा फाइव अच्छा अच्छा माइनस ओके हाँ ओके हाँ या सॉरी. या देन यू जस्ट ड्रैग, दिस इज कॉन्स्टेंट हमेशा, एंड देन रिडेम्पशन इज दिस इंटू, यू वुड हैव टेकन नॉमिनल ऑफ 100 एज वेल, इट्स फाइन। दिस इज डन। उसके बाद इनकम टैक्स, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, एंड सिंस नथिंग इज मेंशनड, इनकम टैक्स इज पेड व्हेन? टेबल 3, मंथ्स इन अरियर, विच मीन्स व्हाट, व्हेन इज इट पेड? नहीं, 6, 7, 8, 9 बाय 12। लेट्स डू वन थिंग, यहां हम लोग एज इट इज लेते हैं, बट व्हेन वी डू द डिस्काउंटिंग तो उसको हम लोग वो वहां पे वील टेक दैट इनटू अकाउंट, ठीक है? सो दिस इज हाउ मच, दिस विल बी इन कूपन इनटू 22%, मेक इट एब्सोल्यूट एंड ड्रैग, ओके? एंड देन यू हैव अ कैपिटल गेन्स टैक्स, विच इज हाउ मच? रिडेम्पशन रिडेम्पशन इनटू 27%, जस्ट मेक इट एब्सोल्यूट एंड ड्रैग। तो ये अपने आप यू गेट द लास्ट अमाउंट। जस्ट एक बार देख लेना फॉर द फाइनल टोटल पीवी हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट एक बार देख लो। सो दिस विल बी माइनस, आई एम टेकिंग 100 आउटगो को, आई एम डूइंग माइनस, अगर आपको दैट इज बेसिकली एन आउटगो। सो प्लस लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कीप दिस इन द ब्रैकेट।
प्लस कूपन प्लस रिडेम्पशन पेमेंट, ठीक है? रुक जाओ, माइनस इनकम टैक्स, रुक जाओ। नाउ इनकम टैक्स इज पेड 3 मंथ्स इन अरियर, तो और 3 महीने बाद मिल रहा है, मतलब इसमें और 3 महीने का डिस्काउंटिंग करेंगे। तो देख लो, 4% इंटू 2 पावर 0.25, 3 बाय 12, 1 बाय 4 0.25, ठीक है? माइनस कैपिटल गेन्स टैक्स विच इज 5 मंथ्स का अरियर, सो इसके साथ हम लोग 1 प्लस i 2 पावर माइनस, यहाँ पे ना एक माइनस आएगा, -0.25, -5 बाय 12, क्योंकि इसमें और 5 इयर्स। अब इन पूरे में यू मल्टीप्लाई द डिस्काउंटिंग फैक्टर, देख लो। एंड फाइनली टेक आउट द सम, शुड एड अप टू 0 बाय चेंजिंग द रेट। सो डेटा गोल सीक, वंस आई डू दिस योर आंसर्स मे नॉट मैच, 2 पॉइंट, इट्स नॉट टू एग्जैक्ट, वी विल जस्ट इंक्रीज द डेसिमल्स, 1.94%, बट आई डोंट नो व्हाई अगेन माय आंसर इज नॉट मैचिंग। मैम आपका कैपिटल गेन्स में गलती, गलती है, 103 माइनस 100 इंटू टैक्स रेट। हाँ 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 करेक्ट 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 करेक्ट, कैपिटल गेन्स गलत हो गया मेरा, दिस माइनस प्राइस होता है विच इज 100। ओ लास्ट में करें ना कैपिटल गेन टैक्स, अभी इससे थोड़ी करें, ये तो जरूरी है क्या? बाय चेंजिंग आई 3.05, क्या माइनस में उल्टा कर दी क्या तुम, 100 माइनस वो कर दी क्या? ठीक है, डाउट है तो पूछो।
नेक्स्ट क्वेश्चन टू, द एनुअल इफेक्टिव फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल इज डिफाइंड एज एफ टी आर, टी इज द टी आर मेजर्ड इन ईयर्स. A set of discrete time forward rates are given in the question 2 base worksheet. Derive 1 year spot rate for time periods 1 to 25 inclusive. तो ये हम लोग को एफ टी आर गिवन है एंड सारे 1 year के फॉरवर्ड रेट्स गिवन है, देख रहे हो. मतलब दिस इज बिटवीन 1 एंड 2, दिस इज बिटवीन टाइम 2 एंड 3 एंड सो ऑन, बिकॉज दैट इज हाउ दे हैव डिफाइंड टी से टी प्लस आर है ना. ऑल द पार्ट्स नीड्स टू बी आंसर्ड हियर इटसेल्फ. तो इन्होंने इधर पे ले लिया है रेट्स. तो सबसे पहले तो दे हैव आस्क्ड अस कि सारे आप 1 year के रेट्स क्या निकालने हैं, 1 year स्पॉट रेट्स कैसे निकलते हैं, स्पॉट रेट वाई टी. बोलो बेसिकली हम लोग को निकालना है वाई टी ना, वाई टी निकालना है आपको. मतलब आपको निकालना है, ये तो कुछ नहीं होगा, वाई वन. हाँ एक बार देख लो, वाई वन तो आपका यही होगा पहला वाला ही, 0.1 मतलब 0 एंड 1 के बीच का, विच इज एक्चुअल में वाई वन हम लोग उसको डिफाइन करते हैं. वाई टू कैसे निकलेगा, यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज 1 प्लस, ये निकालना पड़ेगा ना पहले. तो फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, अरे 1 प्लस वन प्लस एफ 0.1 इंटू 1 प्लस एफ 1.1, वो दोनों हो गया ठीक है. एक पूरे उसका दैट, ये 2 साल का हुआ ना, सो 2 दी पार 1/2 माइनस 1. है कि नहीं, बोलो. हाँ सो कैन यू डू लाइक दिस, प्रोडक्ट फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि सबको क्यूमुलेटिवली मल्टीप्लाई करते जाना है. प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एंड यू मेक दिस इज एब्सोल्यूट, 2 दी पार 1 बाय वन बाय, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ड्रैग करोगे तो 3, 4, 5 एंड सो ऑन -1, चेंजेस इनटू परसेंट एंड ड्रैग, दैट इज योर 1 year स्पॉट रेट. You could have just selected this also, 1/2, 1/3, ये वाला, क्योंकि since all the R is 1 ना, R different होता तो हम लोग फिर वैसे कर लेते. So you can also write यहाँ पे part 1.
Could you explain it based on the first principle formula how this works? So basically, if you have your forward rates, what is yt? 1 plus yt. 1 plus yt is equal to 1 plus all the forward rates. For example, if I tell you y2, ठीक है, so 1 plus y2 whole to the power 2. 1 plus y2 whole to the power 2 is 2 years discounting you are doing with respect to the spot rate or 2 years accumulation you are doing, which is equal to 1 plus f0,1, that is your 1 year accumulation, multiplied by 1 plus f1,1, which is an accumulation for 1 year from time 1 to time 2. So you have that RHS with you. That entire thing whole to the power 1 by 2 minus 1 gives you y2. That is what we have used here. Okay. Sure, thank you. Clear? Yes, लिख दो चैट बॉक्स में इफ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू. Next, explain briefly one possible justification for this shape of spot rate. तो they haven't asked you to make it, but I think हम लोग बना सकते हैं. If you make the shape, let's take this and this, insert a line chart maybe. So it looks like this है ना, एक रफ एस्टिमेट है. इट लुक्स लाइक दिस. आई हैव एडेड अ स्कैटर प्लॉट का लाइन चार्ट. सो बेसिकली आई हैव एडेड दिस दिस वन, ये वाला मैंने ऐड किया. ठीक है, सो इट डिक्रीजेस एंड देन इट इंक्रीजेस. एक चीज सुनो, स्पॉट रेट इज द एवरेज ऑफ द फॉरवर्ड रेट्स. सो इफ योर स्पॉट रेट इज इंक्रीजिंग मीन्स योर फॉरवर्ड रेट्स आर इंक्रीजिंग. If it's decreasing, means the forward rates is decreasing. So here we can see that the yield curve, the spot rate is increasing. And why do you expect this? You expect this because if you can see the forward rates are actually going up, right? Your forward rates are actually going up. And so that is why you see a forward, you see an increasing स्पॉट रेट. नाउ ये अब आपका थ्योरी से लिया हुआ है. थ्योरी में हैव यू ऑल डन थ्री काइंड ऑफ थ्योरीज, एक्सपेक्टेशन थ्योरी, मार्केट सेगमेंटेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि क्यों ऐसा होता है ऊपर जाते नीचे जाते हैं. पढ़ा है? नहीं पढ़ा. सो बेसिकली अगर हम लोग, अगर इट्स अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द मार्केट एक्सपेक्ट्स दैट द इंटरेस्ट रेट्स विल राइज इन फ्यूचर, तो फॉरवर्ड रेट का इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है? What do you understand by forward rate? Forward rate is आज आप खड़े हो टाइम जीरो पे. When I'm saying, ध्यान से सुनो, ये आप लोग सुनते नहीं हो एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर पथेटिक. एंड वेन यू सिट फॉर द इंटरव्यूज यू डोंट गेट अक्रॉस, चाहे आपके 6 पेपर्स क्लियर हो या 7 पेपर्स क्लियर हो. देखो फॉरवर्ड रेट होता क्या है. सो वेन आई से f5,1, मतलब यू आर स्टैंडिंग एट टाइम जीरो एंड यू आर सेइंग दैट आफ्टर 5 years this will be the rate which will be applicable between time 5 and 6. So you are creating an expectation of the rate in future. So I expect that the rates in future will increase. And when can you expect, and when you are expecting, ध्यान से सुनना, that your forward rates will increase, your rates will increase in future, you will demand more of what? You will demand more of long-term bonds rather than short-term bonds. क्यों? If I am buying a 10-year का bond, meaning future में I am getting a higher interest rate.
अदरवाइज आई वुड हैव जस्ट बॉट 2 ईयर्स का बॉन्ड ना, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इतना हाई नहीं होता. सो दैट इज वन योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी. लिक्विडिटी प्रेफरेंस उल्टा बोलता है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलता है कि चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू व्हाट विल इंपैक्ट योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड का लिक्विडिटी इन द मार्केट. अगर मार्केट में ऐसा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर रिस्की, मतलब मेबी डिफॉल्ट होने का रिस्क है, देर इज अ ग्रेटर रिस्क एसोसिएटेड टू अ लॉन्गर टर्म बॉन्ड, सो ऑल द इन्वेस्टर्स जनरली आर कंसिडर्ड एज रिस्क अवर्स. सो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स विल वॉन्ट अ हायर रिटर्न फॉर द हायर रिस्क, सो दे विल एक्सपेक्ट अ हायर इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर एंड हेंस द फॉरवर्ड रेट्स विल इंक्रीज एंड हेंस योर YT विल इंक्रीज. दैट्स योर लिक्विडिटी प्रेफरेंस. अनदर मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन क्या बोलते हैं कि बॉन्ड्स डिफरेंट टर्म्स के जो होते हैं इज परचेज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल पेंशन फंड इन्वेस्टर्स. पेंशन फंड इज मोर अबाउट लॉन्ग टर्म, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, सो दे इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. वेर एज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो 1 ईयर 2 ईयर का होता है, फायर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, दोज इंश्योरेंस कंपनीज दे बाय शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स. सो डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ध्यान से सुनना, डिमांड ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ज्यादा होगा, इफ द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इज हाई, द प्राइस ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल बी हाई एंड द इंटरेस्ट रेट विल बी लो. सो हियर इन दिस केस मे बी ऑपोजिट इज हैपनिंग. डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इज लो क्योंकि प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप. इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट गोज डाउन, इफ प्राइस इज डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज. सो द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इज लो, प्राइस इज लो एंड दैट इज वाई द इंटरेस्ट रेट इज हाई. सो थ्री थ्योरीज. एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो आपका बोलता है कि आप फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. लॉन्ग टर्म अगर रेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, अगर रेट्स हाई होंगे तो आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदोगे. दैट्स योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी. अगेन आपका नहीं, गलत बोला मैंने. अगर हम एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रेट्स हाई, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल गो डाउन. नाउ आप फ्यूचर में खरीदोगे ना, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स होते हैं अगर, तो वो तो मार्केट में वो हो जाते हैं ना. अगर मैंने बोला, मैंने सोचा कि फ्यूचर में द इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप, बट नाउ द करंट इंटरेस्ट रेट इज गोइंग 3%, इट माइट बी ग्रेटर देन दैट, तो आप लॉक नहीं हो जाओगे 3% पे. सो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स खरीदोगे. सो डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल गो डाउन, प्राइस विल गो डाउन, इंटरेस्ट विल इंक्रीज. दैट्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी. लिक्विडिटी प्रेफरेंस कि कौन से इन्वेस्टर को क्या चाहिए. अगर हमें ये है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लिक्विडिटी इश्यूज है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट रिस्क प्रोफाइल है वो हाई है, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट उस पर एक्सपेक्ट करोगे. दैट्स योर लिक्विडिटी प्रेफरेंस. मार्केट सेगमेंटेशन इज बेसिकली योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. पेंशन को चाहिए लॉन्ग टर्म, जनरल को चाहिए शॉर्ट टर्म. जब भी इंटरेस्ट डिमांड अगर आपका लॉन्ग टर्म का कम है, प्राइस कम होगा, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज. दीज आर द फ्यू अदर फैक्टर्स विच सेज दैट द ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. योर आंसर आप लोग अपने टाइम पे रीड कर लेना. यस अंजलि, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द इंटरेस्ट रेट इज, द स्पॉट रेट इज इंक्रीजिंग इन फ्यूचर. सो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स का डिमांड कम होगा, क्योंकि अभी अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदने जाओगे तो आपको कम फिक्स इंटरेस्ट पे मिलेगा ना, इसीलिए. कैलकुलेट द 20 ईयर पार यील्ड. सो पार यील्ड कैसे निकालेंगे 20 ईयर का. वॉट इज पार यील्ड? बॉट एट पार, रिडीम्ड एट पार, एंड वॉट इज द कूपन रेट, वो हमारा पार यील्ड बेसिकली हो जाता है. तो आप क्या करोगे, इफ यू टेक सी टी एज योर पार यील्ड, तो सी टी कॉमन ले लेंगे तो सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं. फिर 1+YT, 1+YT² 1+YT³ क्यूब, वैसे करके पूरा 20 तक आ जाएगा.
एंड एक आपका वन रिडेम्पशन वाला टर्म रहेगा, वन बाय वो वाला, वो उसको आप माइनस कर दोगे एंड यू डिवाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, यू गेट द पार यील्ड. ठीक है, तो हमें आइडियली क्या चाहिए यहाँ पे, वन प्लस वाई टी चाहिए, वन प्लस वाई टी टू द पार माइनस वन, डिस्काउंट करेंगे हर एक को. ठीक है, एंड नॉट वन करो, टू द पार टी कर दो, बेटर रहेगा क्योंकि टू द पार टी करते हैं. सो वन प्लस वाई टी टू द पार माइनस ऑफ द टाइम, एंड लेट्स टेक दिस अप टिल 20 ईयर्स, इट्स अ 20 ईयर्स का पार यील्ड. ओके, एंड हाउ टू कैलकुलेट द पार यील्ड, एक चीज और कर दो, इसका सम ले लेंगे ना, बिकॉज वी नीड द सम. सो योर पार यील्ड 20 ईयर पार यील्ड देख लो, वन जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है जिसपे आपने खरीदा है, माइनस रिडेम्पशन विच इज वन इंटू वी टू द पावर 20, विच इज दिस दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस, तो आपका कूपन रेट आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, दिस इज योर 20 ईयर्स. रिडेम्पशन वाला कैसे लिया था? क्या होता है, वन इक्वल्स टू कूपन रेट को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में वन स्पॉट रेट का सारा एडिशन 20 ईयर्स तक, प्लस एक रिडेम्पशन भी रहेगा ना, वन वी टू द पार 20, वी टू द पार 20, वी टू द पार 20 इधर आ गया लेफ्ट साइड, विच इज वन माइनस वी टू द पार 20, आपका वी टू द पार 20 तो है, डिवाइडेड बाय ऑल द सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. यू कैन आइदर कीप इट इन परसेंट और यू कैन चेंज इट, डजेंट मैटर. ठीक है, ये हमने अज्यूम करा इधर वन एज द नॉमिनल, आप 100 करके भी कर सकते थे, दैट्स योर पार यील्ड, दिस इज योर पार्ट थ्री, लिख देना इधर पार्ट थ्री. नेक्स्ट, अ 20 ईयर बॉन्ड रिडीमेबल एट पार इज इश्यूड विथ कूपन्स इक्वल टू द पार यील्ड कैलकुलेटेड इन पार्ट थ्री एट अ प्राइस 99, कैलकुलेट द यील्ड टू मेच्योरिटी. निकालो, वेरी इजी. तो अगेन हम लोगों को क्या चाहिए, यील्ड टू मेच्योरिटी बोला है ना, सो यू कैन नॉट टेक द स्पॉट रेट्स और एनीथिंग. सो लेट्स अज्यूम वन आई इधर पे 3% कर लेते हैं, अरे 3%. ओके, यू हैव यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज वन प्लस आई, मेक इट एब्सोल्यूट, टू द पावर माइनस टाइम, 20 ईयर्स का ही है ना. कैश फ्लोज इसका भी इफ यू वांट यू कैन टेक आउट. कैश फ्लो इज व्हाट, 99 पर 100 नॉमिनल. सो यहां 99 ले लेते हैं, नॉमिनल इज 100, तो यहां पे या तो 100 इंटू 99% भी लिख सकते हो, योर विश. एंड ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू वट एवर द पार यील्ड वी वर गेटिंग यहाँ पे, है ना, पार यील्ड इज अ कूपन रेट, तो यही तो रहेगा ना. क्या किया इन्होंने, क्या
इनका सोल्यूशन बहुत ही गंदा है। रिडीम दैट पार बोला है क्या? सो यू जस्ट नीड टू एड 100 यहाँ पे, और मे बी 1+। तो गलत हो गया। +100, ये सारे कैश फ्लोज आ गए। जस्ट कैलकुलेट द पीवी। सो व्हेन यू कैलकुलेट द पीवी, मेक श्योर यू डू माइनस ऑफ कैश फ्लो इनटू दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट वाला, बाकी सारा नॉर्मल होगा। देन यू टेक अ सम ऑफ दिस। एंड दिस शुड कम टू जीरो बाय चेंजिंग दिस। जस्ट इंक्रीज द डेसिमल्स एंड चेक। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। करो इसको। क्या चलेगा? पता नहीं अभी उसे गलत स्विगी कराएगा शिक्षा में विड्रॉल करवा करवा रहे हैं आपको स्विगी कितना ही दूर है वो नहीं पहुंचा ना अभी तो जस्ट एग्जाम तो अभी क्या करें नहीं क्या करें लैपटॉप में सब इंस्टॉल करना होगा कि अंदर है क्या और कोई तो उसका लैपटॉप ले लो बस कौन है नहीं नहीं सोचते ही है हेमंत कुशल लोग स्विगी है कुशल आया था पर वो चले गया तो कोई नहीं होगा एक टीचर तो हम एक लास्ट क्वेश्चन होता है सारा पांच पेपर ओ अच्छा वो है हो जाएगा अरे ये तो आपने इंश्योरेंस कंपनी कन्वेंशन में ओके द टॉपिक ऑफ द टेस्ट ओ यूनिट वाला है यूनिट वाला ही फर्स्ट वाला विद प्रॉफिट कन्वेंशनल विद प्रॉफिट कन्वेंशनल फर्स्ट द प्रोसेस आज आज 5 बजे से निकल जाएगा पता कैसे पता
नहीं तो टीचर पढ़ाते एक सब्जेक्ट का पढ़ना हुआ एक टीचर का पढ़ना हुआ टीचर का नहीं करना भी तो दोनों करेगा सब बोला चार घंटे का दो घंटा आज कर लेगा तो घंटा फाइव घंटे ओके छुट्टी है क्या नहीं मॉर्निंग में तो एक बार से एग्जाम कितना जाना इतना दिन तुम्हें आइडिया नहीं होगा कुछ सीपीएम का हो सकता है कल कुछ गया नहीं बोलती होगा तो सीपीएम का धरना करने का भी है हम ऑलरेडी आज जल्दी निकलता है बिकॉज हम बोले कि हमें पढ़ने के जाने किसी कहता हम छुट्टी करने के लिए जगह पहले से रोक के रखते हैं तो हम आधा घंटा टाइम निकले 20 मिनट लगता है घर से कॉलेज हम 1:30 के एग्जाम में 12:45 निकल गए इमेजिन कर कितना मुझे कॉलेज समझ 1:45 है हम अपने घर से सेंट्रल एवेन्यू एक घंटा लगती है हम आधा घंटे को सेंट्रल एवेन्यू में अटका मम्मी को कॉल किया कि मम्मी क्या कर रहे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम तो छोड़ो मिस होगा आप इसके बगल में नहीं बैठ पाएगा जिस मेरे को किसी के जिसको मेरे को करने में कोई एग्जाम है क्योंकि जगह उसको कॉलिंग था वो बोल के ना रोक के रखो कितना रहता था उसका एग्जाम साथ में लगता जो भी है उसको बैठना पड़ेगा हाँ जैसे तैसे में उसका गाड़ी से उतरा तो फिर 5 मिनट चला उसने में मतलब गाड़ी तो रुक गया देखो बैरिकेड गाड़ी से आ बैरिकेड रुक दिया नहीं ऊपर से आ ऊपर से जाना था बैरिकेड से रुक दिया मेरे पीछे का पे तो फिर बोला था कि चलता चलता मेरे को खाली नहीं देगा चला 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 5 मिनट वापस से गाड़ी स्टार्ट रुक गया तो दूसरा टैक्सी किया वहां से गया गया 5 मिनट उसको रुक दिया बैरिकेड करके फिर हमको समझ में आया मम्मा बोली क्या तो मम्मा बोली ओ मम्मा मेरे को देख ली सोना मम्मा ने देखी पता नहीं कौन भैया देख लिए कौन भैया हमको भी नहीं पता मम्मी को बता दी है चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे देन आई एम डन विथ यू गाइस हाँ और कितना पड़ेगा इन इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स 20 आ गया ना आंसर सबका ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो एग्जॉस्ट हो गए बेचारे तुम लोग के पास ऑप्शन नहीं है एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स 25 ईयर विथ प्रॉफिट एंड एंडोमेंट अश्योरेंस The death benefit is payable immediately on death. Premiums are payable annually in advance. Company offers two policies, conventional and annuitized. The assumptions used in diya hua hai, calculate the benefit payable on death during each year of policy under each policy option. Calculate the maturity benefit payable under each policy option. तो पहला है कैलकुलेट द बेनिफिट पेबल ऑन डेथ एंड दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ऑप्शंस में सो इफ यू कम टू द बेस शीट इसको क्विकली समझ लेते हैं कन्वेंशनल का बोल रहे हैं बेसिक सम अश्योर्ड दिया हुआ है बोनसेस वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर सो डेथ बेनिफिट इज गिवन डेथ बेनिफिट कब दे रहे हैं इमीडिएटली ऑन डेथ इन एनी ईयर डज नॉट इंक्लूड उस साल का बोनस क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर वेस्ट हो रहा है ना तो 0 से 1 के बीच में जो बेनिफिट मिलेगा उसमें आपका बोनस वेस्ट नहीं होगा नेक्स्ट ईयर से बोनस वेस्ट होगा ये आपका सुपर कंपाउंड बोनस दिया हुआ है एंड देन टर्मिनल बोनस पेबल ऑन डेथ दिया हुआ है टर्मिनल बोनस ऑन मेच्योरिटी दिया हुआ है यूनिटाइज्ड विद प्रॉफिट दिस इज द एनुअल प्रीमियम एलोकेशन रेट्स दिए हुए हैं Bid offer spread, AMC, unit growth rate, and the terminal bonus on death, additional minimum monetary benefit. This is unitized with profit only. इसी का ही है ये ऊपर वाले का नहीं है that is what they are saying. And terminal bonus on maturity. ठीक है So I feel हम लोगों ने similar kind किया है question. Unitized with profit थोड़ा ट्रिकी होगा बट वी हैव डन इट हमने AWP किया था इफ यू गाइस रिमेंबर तो कर लेते हैं चलो एक एक करके हाउ मच दिस इज ऑफ 21 मार्क्स तो पहला वाला पार्ट
इसी में सारा पार्ट्स आ जाएगा बेसिकली. पहले कन्वेंशनल विथ प्रॉफिट का करते हैं. सो यू स्टार्ट, योर से स्टार्ट करो, आ जाओ. अरे व्हाट इज हैपनिंग है मेरा इसमें. चलो कितने इयर्स का है, कितने इयर्स का है? 25, 25 इयर्स. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सम अश्योर. मैं एस ए लिख रही हूँ, आई एक्सपेक्ट आप लोग पूरा पूरा लिखोगे. बेसिक कितना है पहले देख लो, फिर तुम लोग बाद में बोलेगा मैम प्लीज दिखाइए ना, मैम प्लीज दिखाइए ना. जेन्युइनली नहीं फील होता है कि बॉयज लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं? ठीक है, देन वी हैव द बोनस. वन सेकेंड, हाँ बोलो. देन वी हैव द बोनस. बोनस का रेट कितना दिया है? मैं ना यहाँ ले रही हूँ, मुझे मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा है. जब ये हमसे फोर्थ सम जब से किया है ना हमने, 0.5%. 0.5% इज ऑन द सम अश्योर्ड. बेसिक है ये वाला. सो दिस इनटू यू जस्ट डू 0.5 का एब्सोल्यूट. दिस इज योर बेसिक वाला बोनस. एंड देन यू हैव द सुपर कंपाउंड, सुपर बोनस. ठीक है, तो सुपर बोनस कितना है रेट? बोनस के ऊपर बोनस जिसे हम बोलते हैं, विच इज वॉट 3%. एंड वो कैसे कैलकुलेट होता है, हमने क्लास में करा है. यू कैलकुलेट द टोटल बोनस यहाँ पे एंड उस पे पूरे पे आएगा वो. तो फर्स्ट ईयर में देर विल बी नो सुपर बोनस, है ना? एंड टर्मिनल बोनस पे आपका सुपर बोनस नहीं ऐड होगा. दिस इज ऑन द बोनसेस एडेड टू द पॉलिसी इन द प्रीवियस ईयर. इसमें आपका टर्मिनल वाला नहीं ऐड होता है, इसमें आपका टर्मिनल थोड़ी ऐड होगा. तो पहला साल ये आपका डैश जीरो है, ये हो गया आपका दिस प्लस दिस. एंड ये दूसरे साल आपका क्या हो जाएगा, बोनस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड मेक इट एब्सोल्यूट एंड रैग. रैग बोथ एक्चुअली. दोनों को ड्रैग करने से आएगा ना कीर्ति? यहाँ पे एक और मिस्टेक है. यू इन द टोटल बोनस वील एड द प्रीवियस ईयर्स बोनस एज वेल ना. इफ यू ऑल रिमेम्बर वी हैव डन दिस इन आवर क्लास. ठीक है, टर्मिनल बोनस डन. देन वी हैव द टर्मिनल बोनस की बात करेंगे क्योंकि टोटल बेनिफिट पे आपका ऐड होगा. टर्मिनल बोनस के लिए क्या लिखा है देखो, पेबल ऑन डेथ एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड प्लस ऑल द बोनसेस एलोकेटेड सो फार. दिस ये सेम सब हमने क्लास में किया है, आप लोग को याद होगा. सेम एग्जैक्ट सेम सम वी हैव डन. ठीक है, टर्मिनल बोनस रेट. क्या होगा, जीरो है क्या? सो जीरो, या फिर यू कैन जस्ट गो टेक दिस, मेक एब्सोल्यूट. दिस इज फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स, उसके बाद हाँ इफ भी कर सकते हैं, नो इश्यूज. 5 बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 15 तक है. उसके बाद है 10%. ठीक है,
टर्मिनल बोनस रेट. देन नाउ यू कैन कैलकुलेट टर्मिनल बोनस जो भी है. आप लोग प्लीज पूरा पूरा लिखना, ऐसे आधा अधूरा मत लिखना. सो दिस इज बेसिकली दिस इनटू दिस, दिस इज योर टर्मिनल बोनस. सो बेनिफिट पेड फाइनल पूरा बेनिफिट ऑन डेथ ड्यूरिंग द ईयर क्या हो जाएगा? टोटल बेनिफिट माइनस टर्मिनल बोनस, सॉरी प्लस टर्मिनल बोनस. वेरी इजी. देख लो कोई इश्यू है तो पूछो. गलत क्यों आया? अच्छा मैंने गलत कर दिया. पहला साल जो है आपका यही रहेगा. पहला साल आपका ये प्लस टर्मिनल बोनस ही रहेगा क्योंकि ये बोनस आपका सेकेंड ईयर से ऐड हो रहा है. ठीक है तो नेक्स्ट ईयर वाला खाली दिस प्लस टर्मिनल बोनस ऑफ दैट ईयर. अब सही है तो दिस इज डिफरेंट. इसको हाईलाइट कर दो. हाँ आ जाता हूँ. एब्सोल्यूट करके थ्रू आउट करने से नहीं नहीं गलत होगा. वैसा डबल काउंटिंग हो जाएगा. ये वाला तुम ये लोगी, नॉट दिस वन. सेकेंड वाला विल बी तुम्हारा ये जो 1,25,000 है ना, दिस इज वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईयर वन. तो ये ईयर वन का अमाउंट हुआ. इस वन ईयर के अमाउंट पे यू आर एडिंग दिस टर्मिनल बोनस जो तुम्हें सेकेंड ईयर में मिलना चाहिए. नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हो रहा है. टर्मिनल डे ईयर वन से ही मिल रहा है. ठीक है नाउ इसी में ओनली यू कैन कैलकुलेट योर मैच्योरिटी बोनस, मैच्योरिटी बेनिफिट एक्चुअली. कैसे होगा मैच्योरिटी बेनिफिट बताना. मैच्योरिटी बेनिफिट आई फील समहाउ मेरा ये गलत आ रहा है. एक सेकेंड रुकना. टर्मिनल बोनस में ना कुछ गलत हुआ है. ये लास्ट वाला ठीक है. अच्छा हाँ एक सेकेंड ध्यान दो. टर्मिनल बोनस ना गलत कैलकुलेट किया हमने. ये वाला ऐसे होगा. एक बार देख लो प्लीज. टर्मिनल बोनस जो है इस पहला वाला जो टर्मिनल बोनस है इस 1,25,000 पे मिल रहा है और दूसरा वाला टर्मिनल बोनस आपको इस पे मिल रहा है. 1,25,000 पे मिलेगा ना. अब सही है बिकॉज पहला साल में आपका फर्स्ट ईयर में अगर कोई मर जाता है तो उसको कितना मिलेगा? बेसिक सम अश्योर्ड 1,25,000. ये वाला कुछ नहीं मिलेगा है ना. हम लोग एक चीज कर सकते थे क्योंकि हमने सुपर बोनस सेकेंड ईयर से कैलकुलेट कर सकते थे बट मेक श्योर कि आपका सुपर बोनस फिर सही तरीके से कैलकुलेट हो. क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ध्यान से सुनो फर्स्ट ईयर के एंड पे वेस्ट होगा. तो फर्स्ट ईयर के एंड पे ईयर वन के एंड पे 625 वेस्ट हो चुका है. हाँ तो ये वाला चीज खाली ध्यान रखना अगर बनाते हो तो कि ये 625 अलग से आपको लेना तो पड़ेगा ही.
अब क्या हो रहा है, टर्मिनल बोनस जब कैलकुलेट कर रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए, तो 125 × 0% होगा, क्योंकि ये नहीं मिल रहा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये मिल रहा है, इस पे टर्मिनल बोनस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देर इज नो सिंपल बोनस, देर इज नो सुपर बोनस। देन सेकेंड ईयर में वेन द पर्सन डाइज, तो ये अक्यूमुलेट हुआ है टाइम वन पे, इस पे टर्मिनल मिलेगा, ना कि इस पे, क्योंकि 625 जो, क्योंकि उसी समय मिल रहा है ना, डेथ इज हैपनिंग उसी इमीडिएटली ऑन डेथ, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर होता तो आप इस पे करते एंड तो आपको इस पे ही मिलता, तो आप 125 नहीं मिलता, क्योंकि वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर है, एंड अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर पे वेस्ट होता तो भी थोड़ा कैलकुलेशन फिर वापस एडजस्ट होता, आपको दोनों लेना होता, तो इसीलिए क्योंकि इमीडिएटली है हम लोग ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना कब वेस्ट हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब मेच्योरिटी बेनिफिट जो है, अब आपका जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो बताओ कैसे निकालेंगे, मेच्योरिटी बेनिफिट कैसे निकालेंगे बताओ, एक बार ध्यान देना, मेच्योरिटी मिल रहा है कब, टाइम 25 पे, 25 के एंड पे आपका ये वाला ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, ये जो टोटल बेनिफिट है, अब आपको ऊपर वाला लेने का जरूरत नहीं है, 25 के एंड तक पहुंच चुके हैं, इनटू करेक्ट, ठीक है, दिस इज योर मेच्योरिटी। सो दिस वाज इजी, इसका मैं मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर बताऊं आपको, सो बेसिक सम शॉर्ट कॉलम का 1 मार्क, बोनस का 1 मार्क, सुपर बोनस का 2 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स बोल सकते हो, 2 एंड 1, सो बेसिकली टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इस वाले का, बाकी पूरा जो है 11 मार्क्स वो आपका यूडब्ल्यूपी का है। देख लो इसको, कंप्लीट करो, देन वील मूव टू यूडब्ल्यूपी। मुझे क्या बोले थे, 100 से ऊपर वाला वापस एक बार बोलिए, 100 से ऊपर वाला तो हमारे लिए कॉस्ट है, उसके नीचे हमारे लिए बेनिफिट है। ये सब यूनिट के लिए ना, गाड़ी रहे थे क्या? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट यूनिटाइज वाला में। सो जैसे हम प्रॉफिट टेस्टिंग पूरा नहीं बनाते, यूनिट फंड वाला कैश फ्लो सिमिलर बनता है इसमें भी, सो यू स्टार्ट विथ फंड एट स्टार्ट, योर ले लेते हैं पहले, तो कितने ईयर्स का है? फंड एट द स्टार्ट हो गया आपका, नहीं पहला तो जीरो ही रहेगा, पहला तो जीरो ही रहेगा, एंड देन एलोकेशन रेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, सो लेट्स मेक अनदर कॉलम,
पहला क्या है एलोकेशन रेट? अच्छा 25, इसको ड्रैग करते हैं, 4 ऑनवर्ड सेम है ना? इसको नीचे तक ड्रैग कर दो। बिड ऑफर स्प्रेड कितना है? आई इसको एब्सोल्यूट नहीं किया मैंने। बिड ऑफर स्प्रेड कितना है? तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलोकेटेड प्रीमियम, एंड प्रीमियम कितना है? 5,000, एंड एलोकेशन रेट इज, बिड ऑफर इज दिस। सो 5,000 कैसे निकालते हैं एलोकेटेड प्रीमियम? 5,000 एब्सोल्यूट इंटू एलोकेशन 1 माइनस बिड ऑफर, ठीक है ना? दिस इज व्हाट द, अगेन मेक इट एब्सोल्यूट, दिस इज व्हाट द पॉलिसी होल्डर्स आर अक्यूमुलेटिंग। एलोकेटेड प्रीमियम हो गया। अब एनुअल मैनेजमेंट चार्ज डिडक्टेड फ्रॉम यूनिट फंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1%। टर्मिनल बोनस पेबल ऑन डेथ एज अ परसेंटेज ऑफ फंड वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो फंड आफ्टर एलोकेटेड प्रीमियम कितना होगा? जस्ट एड दिस प्लस दिस, ठीक है? ये हो गया आपका फंड आफ्टर एलोकेशन। देन आफ्टर दिस यूनिट फंड बिफोर एएमसी निकालते हैं। बिफोर एएमसी कितना रेट पे अक्यूमुलेट हो रहा है? 2.5। कुछ गड़बड़ हो जाएगा मेरे को लग रहा है इसमें, क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर क्या बोला है इन्होंने, कुछ बोला थोड़ी है। कहाँ लिखा है ये चीज? हाँ वही मैं देख रही हूँ कि वही कुछ है इधर। द डेथ बेनिफिट्स आर पेबल, दोनों में इट इज पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ। तो एक चीज करना होगा हमें इस क्वेश्चन में, आपको एक और बनाना पड़ेगा जहां पे आप निकालोगे मिडल ऑफ द ईयर का वैल्यू। सो यूनिट फंड एट मिड ईयर, which will be basically this into 1 plus I to the power 0.5 का accumulation होगा ना खाली। माइनस माइनस क्यों करोगी भाई? हाँ 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 1 ईयर का, 1 ईयर आगे गए हो क्योंकि एएमसी एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है वो। ये तुम्हारा, हाँ
बट ये एवरी एवरी ईयर एंड पे है ना, तो तुमको तो आधे साल ही जाने आगे, एवरी ईयर वाइज जा रहे हो ना तुम। प्रॉफिट टेस्टिंग में कैसे करते हैं, ईयरली तो करते हैं ना। एएमसी कितना बोला इन्होंने, 1% ऑफ व्हाट, एक बार रीड करना, 1% ऑफ बोलो, 1% ऑफ ये वाला वैल्यू। अब क्या, एक मिनट, फिर यूनिट फंड एट द एंड इज दिस माइनस दिस ड्रैग, एंड ये वाला आपका हो जाएगा एंड यू ड्रैग। हाँ बोलो। वन ईयर, दिस इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर बेनिफिट्स एंड दिस इज कैलकुलेटेड फॉर एएमसी कैलकुलेशंस। हाँ बट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट ना, इसीलिए हमें चाहिए। यहाँ ये पूरा अपना प्रॉफिट टेस्टिंग का टेबल बन चुका है जो हम लोग बनाते हैं, जस्ट दैट ये एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है अभी, ये वाला, अदरवाइज पूरा एज इट इज बनाते हैं। अब दिस इज ओनली डन टू कैलकुलेट द बेनिफिट। अब हम लोग टर्मिनल बोनस ले लेंगे जो इस क्वेश्चन में है, विच इज हाउ मच, सेम है क्या, नहीं सेम होता तो मैं कॉपी कर लेती। फॉर 5 years, देन आफ्टर दैट कितना है, सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स इट इज 5%, टाइम 10 तक है क्या, क्यों किया इन्होंने ये सब फालतू काम, एक ही रखते। टर्मिनल बोनस आ गया, उसके बाद अब एक बार देखो, देर इज एन एडिशनल मिनिमम मॉनिटरी पेमेंट ऑफ दिस मच विच इज हैपनिंग ऑन डेथ। टर्मिनल बोनस ऑन मेच्योरिटी अलग से 30% है, वो तो चलो हम लोग वही ले लेंगे। तो अब जब हमें डेथ बेनिफिट निकालना है तो डेथ बेनिफिट कैसे निकालेंगे, समझो दो तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है डेथ बेनिफिट बिफोर यू अप्लाई द मिनिमम वाला सिनेरियो। सो डेथ बेनिफिट बिफोर मिनिमम अमाउंट, ठीक है, विच इज जो आपका फंड, कौन सा फंड वैल्यू लेंगे, मिड ईयर वाला, ठीक है, अभी मिड ईयर वाला यूज होगा, इमीडिएटली है ना, तो मिड ईयर इनटू टर्मिनल बोनस का रेट एंड यू ट्रैक दिस डाउन, ठीक है, यस और नो, एक सेकेंड, वन प्लस करके करना होगा ना, क्या कर रही हूं मैं, एक बार वैल्यू चेक करो, तो मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं सही है, सही है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। मिडल ऑफ द ईयर तुम्हारा ये फंड वैल्यू है, उस पर तुम बोनस लगा रहे हो। अब इसमें हम लोग वो मिनिमम वाला चीज कंसिडर करेंगे,
कि एक्चुअल में बेनिफिट कौन सा मिलना चाहिए. सो बेनिफिट पेड, डेथ बेनिफिट पेड लिख देना, विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम की मिनिमम ऑफ या तो दिस या फिर 125 मैक्सिमम. तो जहां तक 125 अचीव नहीं हुआ है वहां तक यही पे होगा, जहां 125 अचीव हो गया उसका हायर अमाउंट पे होगा. ठीक है, एंड देन यू हैव द मेच्योरिटी बेनिफिट विच इज अगेन सिमिलर. मेच्योरिटी बेनिफिट में देर इज नथिंग एज मिनिमम. तो यहाँ आपको क्या लेना है, मेच्योर कब हो रहा है पॉलिसी, फंड एट द लास्ट वाला वैल्यू लेंगे, मतलब आप ये वाला वैल्यू लोगे. ठीक है, फंड एट द एंड लोगे, ना कि 1 पॉइंट मिडल ऑफ द ईयर वाला. प्लस 30%, दिस इज योर मेच्योरिटी बेनिफिट. सो जस्ट बिकॉज क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर था, हमें ये एक एडिशनली निकालना पड़ा फॉर कैलकुलेटिंग दीज, अदरवाइज यू डोंट नीड. अदरवाइज आपका एज इट इज सब कुछ सेम है, जैसा एक प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल बनता है पूरा वैसा है, कुछ भी नया नहीं किया हमने. यूनिटाइज्ड विथ प्रॉफिट इज सिमिलर टू यूनिट लिंक्ड फंड, है ना, उसमें जो यूनिट्स आपके होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. ठीक है, लेट्स डू इट टिल हियर फॉर टुडे. वी फिनिश ऑल द पास्ट पेपर्स. आप लोगों को खुद से एक बार सारे रिवाइज करने हैं, एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है आप लोगों को पता है अब किस पे ज्यादा फोकस करने है किस पे नहीं. अब आप लोग जब खुद से बनाओगे तो आप लोगों को क्लास का किया हुआ याद आएगा, सो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए रिवाइज करना, है ना. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय.